नमस्कार, लाइफ टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। और हॉट सीट की अगर बात करें, राजधानी की हॉट सीट की बात करें, तो काफ़ी सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी है। और इस समय आपको बता दें कि हम फागली में मौजूद हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी हरीश जनारथा आज सुबह से वे यहां पर पहुंचे हैं। यानी कि लगातार चाहे भाजपा के प्रत्याशी हैं, चाहे माकपा के प्रत्याशी हैं, और अपने जो लोगों के बीच में जाकर वोट यहाँ पर मांग रहे हैं। आप कह सकते हैं कि लगभग 3 से 4 दिन यहाँ पर रह चुके हैं। और इसके बाद अब जिस तरह से अब जो चुनावी सरगर्मियां हैं काफ़ी तेज हो चुकी है, सभी जो पार्टियां हैं, सभी राजनीतिक दल हैं, दावा कर रहे हैं कि वो भाजपा या कांग्रेस की सरकार वो बनाएंगे। शिमला की अगर बात करें, काफ़ी सभी की नज़रें, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, काफ़ी लोगों की नज़रें इस सीट पर है। शिमला शहरी की अगर बात करें, भाजपा 15 साल से यहाँ पर स्थापित है। सुरेश भारद्वाज की अगर बात करें, शहरी विकास मंत्री हैं, वो 3 बार यहाँ पर विधायक रहे, मंत्री भी यहाँ पर रह चुके हैं, और काफ़ी कड़ा मुकाबला शिमला शहरी सीट का यहाँ पर माना जा रहा है। जिसमें आपको बता दें, प्रत्याशियों के नाम बता दें, कांग्रेस की अगर बात करें तो हरीश जनारथा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। माकपा की अगर बात करें, टिकेंद्र पंवार यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ भाजपा की बात करें तो संजय सूद यहाँ पर हैं। तो ये चुनाव प्रचार लगातार जारी है, लोगों के बीच में जाकर, लोगों से आह्वान कर और जिस तरह से कि क्या काम करना है, क्या काम रह गए हैं, क्या जो 5 साल की अगर बात करें, भाजपा सरकार ने काम किए हैं या नहीं किए हैं, तमाम सारी जो चीज़ें हैं इनको लेकर। चलिए बातचीत भी करेंगे हरीश जनारथा जी से, उनसे जानेंगे। सर, लाइफ टाइम सीवी में आपका स्वागत है। और अब कुछ ही टाइम यहाँ पर रह चुका है चुनाव की, अभी तक का माहौल की अगर बात करें, किस तरह से माहौल बना है लोगों के बीच में आप आए और आज फागली यहाँ पर पहुँचे हैं आप? माहौल तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, और आज हम यहाँ पर सुबह 8:30 बजे फागली चौक पर हैं माननीय काउंसलर के साथ। तो ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पर पूरा फागली एरिया ऑफिस के लिए तो हमारा कुछ टाइम बच जाता है, और लोगों से यहीं पे हम रूबरू हो जाते हैं। तो रिस्पांस अच्छा है, और उम्मीद करते हैं कि इस बार कांग्रेस अच्छे माध्यम से जीत के आ रही है। कल भाजपा ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया, काफ़ी बड़े बड़े दावे यहाँ पर किए गए हैं, खासतौर पर जो महिलाओं के लिए काफ़ी करता है। आपको क्या लगता है कि लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी 10 गारंटी अपने दिए हैं घोषणा पत्र में, यहाँ पर सारी चीज़ें। एक्चुअली भाजपा पिछले 5 सालों में जो उनके कार्यकाल रहा है वो निराशजनक रहा है, और अब चाहे घोषणा पत्र में जो मर्जी ये लिख के दें और जैसे मर्जी लें, लोगों ने मूड बना लिया है। जहाँ तक कि हमारी 10 गारंटी की सवाल है, उसमें एसेंशियल पॉइंट्स है, और एक हम ऑपोजिशन में रहे हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि ऑपोजिशन के जो अभी ये टाइम पीरियड रहा है, तो कांग्रेस उसमें काफ़ी समीकरण करके उन्होंने ये सोच समझ के हर पॉइंट टच करना चाहा है, जिससे मतलब जो आम जनता है या चाहे एम्प्लॉइज है वो हताश है। तो हमने वो दिया है, और उम्मीद रखते हैं कि लोगों को भी उम्मीद है कि जो हमने उसमें दिया है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और कांग्रेस भी वचनबद्ध है कि हमने जो भी अपने पॉइंट्स दिए वो इमीडिएटली हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, एक बार फिर से आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि 15 साल से भाजपा यहाँ पर स्थापित है शिमला शहरी की अगर बात करें, इस बारी कांग्रेस क्यों यहाँ पर आएगी, क्या लोगों से आप आह्वान करना चाहेंगे? इसमें काफ़ी रीजंस है, इसमें जो आपके पेंडेमिक सिचुएशन, जब पेंडेमिक हुआ था यहाँ पे, जब प्रॉब्लम्स आई थी शहर में, तो उस टाइम इनका कोई जिसे कहते हैं हेल्पफुल रोल नहीं रहा, और साइलेंट हो गई थी गवर्नमेंट। उन दौरान भी हमारी टीम ने, कांग्रेस की टीम ने काफ़ी मदद की है। उसके बावजूद आपके कुछ काफ़ी बड़े स्कैंडल ड्यूरिंग दैट टाइम हेल्थ में हुए हैं, और उसके बावजूद आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको कोई डीए नहीं दिया गया, उनके कोई अलाउंसेज है वो नहीं दिए गए, और यूथ की बेरोज़गारी बहुत हुई है। इनफैक्ट बाहर के स्टेटों से आके यहाँ पे जो
इम्पोर्टेंट पोस्ट थी, यहाँ पे वो बाहर के स्टेट से लोग आए उनको दी गई, और हमारा बड़ा यूथ जो है एजुकेटेड यूथ है वो रह गया है। इसी तरीके से आपके व्यापारियों की काफ़ी प्रॉब्लम्स है, और मतलब हर वर्ग को प्रॉब्लम्स रही है, चाहे बागवान को देखो, महिलाओं को देखो, महंगाई के कारण हर चीज़ में प्रॉब्लम आई है, तो लोग हताश थे। तो मुझे उम्मीद है कि इस बारी जो लोग मतलब जिनको प्रॉब्लम्स आई है, सारी पब्लिक को जिस तरीके से इनका 5 साल का टेन्योर गया है, तो उनके प्रति रोष है और कांग्रेस के पक्ष में वोट डालेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो ये लोगों के बीच में जाकर ये कहना का मतलब है कि अब जो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर सामने आएंगे, और उसको लेकर अब जनता ने मन बना लिया है कि इस बारी जो है कांग्रेस ही सत्ता में यहाँ पर आएगी। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं फागली से, और फागली में आज जो कांग्रेस जो प्रत्याशी है वो हरिजन आपका यहाँ पर पहुँचे। इसके साथ साथ अगर बात करें अन्य जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं, और उनकी भी तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। भाजपा की अगर बात करें, सभी जितने भी जो प्रत्याशी है अभी मैदान में है, लोगों के बीच में है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। धन्यवाद।